नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, विच इज अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, ऑल द एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाई इनटू टू ग्रुप्स, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. अब पैरामैग्नेटिक मीन्स, अगर हम उसको देख रहे हैं यहां पर, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हमने सब्सटेंस को रखा तो दे विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो दे आर नोन एज पैरामैग्नेटिक. इनके अपोजिट ये देखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इनको जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो दे विल रिपल फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो दीज आर पैरामैग्नेटिक, अट्रैक्ट टूवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड. These are diamagnetic, ripple from the external magnetic field. अब ये तो हमको समझ आ गया, attract हुआ और ripple हुआ, पर ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए कि paramagnetic substances are generally those substances or elements which have unpaired electron. तो unpaired electron है, electron spin करता है, spin करेगा उसका भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. तो उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अट्रैक्ट हो जाती है. अब ये जो आपके पेयर्ड वाले हैं, इसमें हमको पता है कि दो इलेक्ट्रॉन है, एक का स्पिन प्लस हाफ, दूसरे का माइनस हाफ. तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड उधर आई उतनी इधर आई, कैंसिल हो गई, तो ये अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं और रिपल हो जाते हैं. तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा उनका पैरामैग्नेटिक नेचर. अब इस नेचर को हम मेजर करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के बेस पे. मैग्नेटिक मोमेंट इज डिनोटेड बाय म्यू, यहां पे लिखा हुआ है, हमको दिख रहा है. एंड दिस मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल एन इंटू एन प्लस टू. एन इज द नंबर ऑफ unpaired electron here, and the unit of magnetic moment is Bohr magneton, BM. So BM is unit, n is unpaired electron. So hum dekh rahe hain ki mu is directly proportional to the small n, means jitna jyada ye hamara unpaired electron hoga utna jyada hamara magnetic moment hoga. तो हमको ये भी मालूम है कि जो डी ब्लॉक का हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा हुआ है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं.